अबे पता है कि आप ऋषभ पंत के बहुत बड़े फैन हो, इसीलिए आप ऋषभ पंत के इस वीडियो को देखने को आए हो। तो आपने इससे पहले भी बहुत सारे ऋषभ पंत से जुड़े उनके इंजरी को लेकर के, उनकी इंजरी अपडेट को लेकर काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ करूं कि आपको किसी भी वीडियो के अंदर रियल जानकारी नहीं मिली होगी। लेकिन आपको इस वीडियो के देखने के बाद और किसी वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं हुई, क्योंकि आज आपको इस वीडियो के अंदर ऋषभ पंत से जुड़ी रियल न्यूज़ मिलने वाली है। तो भाई अगर आप वाकई ऋषभ पंत के फैन हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये तो हम सबको पता है कि लास्ट ईयर दिसंबर के महीने में ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद से लगातार ऋषभ पंत टीम इंडिया से बाहर चल रहा है, तकरीबन उनको 6-7 महीने हो गए टीम इंडिया से बाहर चलते हुए। लेकिन एनसीए की जो रिपोर्ट आई है, जो न्यू रिपोर्ट है, उसका दावा है कि ऋषभ पंत एशिया कप में टीम इंडिया के साथ नहीं जुड़ सकते, लेकिन वर्ल्ड कप तक ऋषभ पंत पूरी तरह से फिट हो सकते हैं और टीम इंडिया के साथ भी खेल सकते हैं। लेकिन ऋषभ पंत को अपनी इस फिटनेस पर कंटिन्यू अभी काम करना होगा।